आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का टॉपिक कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर को डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर को डिस्कस करने से पहले हमने एनएफए और डीएफए को डिस्कस किया था। फिर इसके साथ हमने मैनुअल मशीन यानी कि मशीन आउटपुट को डिस्कस किया था। आज जो हमारा बेसिक पर्पस है कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर डिस्कस करने का कि हम उन लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे की कोशिश करेंगे जो हमारे पास नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस है। डेफिनेटली अगर इससे पहले मैं बात करूँ कि रेगुलर लैंग्वेजेस की, तो अकॉर्डिंग टू क्लीन्स थ्योरम अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका कोई ना कोई एफए ज़रूर हो। तो अगर उसका हम एफए बना सकते हैं तो डेफिनेटली हम उसको टीजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वो कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन भी ज़रूर होगा। तो अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर की, क्या ऐसी लैंग्वेजेस जिनको हम डिफाइन नहीं करते यानी कि उसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बना पाते, तो क्या हम उनको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में अकोमोडेट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आंसर होगा यस। तो उन लैंग्वेजेस के लिए हम कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर लिखेंगे, लेकिन कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर बेसिकली हम रेगुलर और नॉट रेगुलर दोनों लैंग्वेजेस के लिए लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर्स के अंदर कौन कौन से टप्पल्स आते हैं, कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर के कौन से हमारे पास रूल्स हैं जिन पर वो बेस करती है, इन सब चीज़ों को देखते हैं ज़रा डिटेल के अंदर कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिक जो हमारे पास है कि हम सबसे पहले कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर की देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने इसके अंदर कवर अप करना है। तो इसमें हमारे पास देखें कि कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर को देखेंगे, कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज हमारे पास आएगी, पार्सिंग बाय कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर, एम्बिग्यूटी इन वर्ड जनरेशन, एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूस ग्रामर की बात करेंगे, नॉन एम्बिग्यूस ग्रामर क्या होती है उसकी बात करेंगे, इसी तरह हम पॉलिश नोटेशन की बात करेंगे, प्रीफिक्स एंड इनफिक्स नोटेशन है, एंड लास्ट पे हम टोटल लैंग्वेज ट्री की बात करेंगे। तो इसके साथ ज़रा देख लेते हैं कि जी वाई कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर। तो अगर हम बात करेंगे जी जैसे इंग्लिश ऐसे स्पोकन वर्ड्स की बात करते हैं लाइक स्पोकन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर उनको डिफाइन कर रहे, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं आपको पता है कि जी वो जो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती हैं। तो जाहिर बात है कि अगर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है फॉर कंप्यूटर है ऑल्सो सर्टन, बट इन केस ऑफ कंप्यूटर द ग्रामेटिकल रूल्स डज नॉट हमारे पास क्या कहते हैं जी इन्वॉल्व इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो हमने लास्ट टाइम एक बात पढ़ी थी कि ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बट ऑल स्ट्रिंग्स आर नॉट वर्ड्स, बिल्कुल इसी तरह इट कैन बी नोटेड दैट द ग्रामेटिकल रूल्स व्हिच इन्वॉल्व द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सिमेंटिक्स कहलाते हैं, व्हाइल दोस डू नॉट इन्वॉल्व द मीनिंग ऑफ वर्ड आर कॉल्ड सिंथेटिक। तो अगर हम इन जनरली इसको जरा डिस्क्राइब करें तो क्या कह सकते हैं, इन जनरल द रूल ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज ग्रामर आर सिंथेटिक हमारे पास एंड नॉट सिमेंटिक, अ लॉ ऑफ ग्रामर इज इन रियलिटी अ सजेशन फॉर पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन। अब इसको जरा हमारे पास देखें, अगर मैं इसको जनरली बिफोर गोइंग टू डिटेल डिस्कशन मैं इसको जरा जनरली आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्चुअली कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर है क्या चीज़, इसके अंदर कौन कौन से टप्पल्स हैं। तो कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर के अंदर बेसिकली बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, लाइक अगर हम बात करें कि ग्रामर इज इक्वल टू वी टी पी एंड एस, तो हमारे पास ये सारे क्या हैं सिंबल्स हैं। अब ये जो सिंबल्स हमारे पास आ रहे हैं इसके अंदर हमारे पास कुछ नॉन टर्मिनल्स होंगे और कुछ टर्मिनल सिंबल्स होंगे, इसी तरह हमारे पास जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी के साथ, और जो हमारे पास टर्मिनल सिंबल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम टी के साथ। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल्स में लिखे जाते हैं इन कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर, और जो हमारे पास टर्मिनल सिंबल्स होते हैं इनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, इसी तरह ही हमारे पास जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते हैं वो कैन बी रिप्लेस्ड यानी कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किसी टर्मिनल के साथ। तो जो हमारे पास टर्मिनल सिंबल्स होते हैं ये कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अब ये जो हमारे पास बेसिकली नॉन टर्मिनल टर्मिनल फिर ये कैपिटल्स में है ये स्मॉल्स में है, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड कैन बी रिप्लेस्ड, ये सारे के सारे ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो इन प्रोडक्शन रूल्स को हमने रिप्रेजेंट करना है किसके साथ, इस पी के साथ। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं,
ये जो हमारे पास आ रहे हैं ऑल आर प्रोडक्शन रूल्स, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है पी के साथ। तो अब इसमें हमारे पास देखें कि मेरे पास एक एग्जांपल आ रही है जिसमें एस हमारे पास एक लेटर हमें शो हो रहा है। वो एस बेसिकली हमारे पास क्या है कि ग्रामर का स्टार्टिंग लेटर है जिससे ग्रामर शुरू होगी, और हमेशा ये किस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। तो एस बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई। तो अब देखें कि हमारे पास ग्रामर का फर्स्ट रूल क्या है, एस बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो अब हमें देखा है कि जी एक हमारे पास नॉन टर्मिनल जो है वो जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है डेफिनेटली ये रिप्लेस हो सकता है, नॉन टर्मिनल्स जो है वो राइट साइड पे, तो डेफिनेटली इनके भी हमें रूल लिखने पड़ेंगे कि कब तक हम इनके रूल लिख सकते हैं, जब तक ये टर्मिनल के रिप्लेस नहीं कर लेते। तो जाहिर बात है कि टर्मिनल जो है वो नॉट रिप्लेसेबल है, तो इसलिए वहां पे जाके ये रूल स्टक हो जाएंगे। अब ये देखिए कैपिटल एक्स है कैपिटल वाई है, तो कैपिटल एक्स का हमने रूल लिख दिया है कि ये ए है, और कैपिटल वाई का रूल लिख दिया है ये हमारे पास क्या है, बी है। तो ये हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि ये मेरे पास वन है और ये मेरे पास क्या है जी टू, सेकेंड रूल है, और इसी तरह ही मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है ये ग्रामर का थर्ड रूल है। तो इन सबको हम इन सबको ये कलेक्शन ऑफ रूल जो है ये हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ रूल जो है ये हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रामर कहलाती है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने भी आपको बताया कि ऐसे हमारे पास होगा ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल होगा जो हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा जहाँ से हमारी ग्रामर शुरू होगी। इसी तरह ही हमारे पास अब देखें कि प्रोडक्शन के अंदर जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि एक्स की प्रोडक्शन क्या है, एक्स एंड वाई है। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल्स आते हैं वो ये है कि जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो हमारे पास टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल ये दोनों आ सकते हैं। यानी कि किसी भी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास कैपिटल एस आ रहा है, और कैपिटल एस है मेरे पास स्मॉल ए कैपिटल ए, ये हमारे पास आपको पता है कि स्मॉल ए मेरे पास टर्मिनल सिंबल है और जो कैपिटल ए है ये मेरे पास नॉन टर्मिनल सिंबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोडक्शन रूल हमारे पास टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल आ सकता है। दूसरा हमारे पास प्रोडक्शन रूल जो हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास गिवन है कि कैपिटल एस बिलोंग्स टू कैपिटल, सॉरी कैपिटल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो हमारे पास जो सेकेंड प्रोडक्शन रूल आ सकता है वो नॉन टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल भी आ सकते हैं। तो हमें सिर्फ नॉन टर्मिनल्स को रिप्लेस करना है और टर्मिनल जो होंगे वो हमारे पास नॉट रिप्लेसेबल है। अब आप देखिए कि टर्मिनल्स में हमारे पास कौन कौन से लेटर आ सकते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स आ सकते हैं, ई ए टू हम जी की बात कर सकते हैं कि ए से लेके हमारे पास जी तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, इसी तरह हम कह रहे हैं कि जीरो से लेके हमारे पास नाइन तक अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, कोई स्पेशल करेक्टर आ सकता है, कोई सिंबल आ सकता है। तो ऑल आर क्या कहलाएंगे, टर्मिनल्स कहलाएंगे। तो ग्रामर के अंदर अब इनको जरा देख लेते हैं कि जो हमने ऊपर देखे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जी इज इक्वल टू बी टी पी एस। तो हमें पता है बी हमारे पास नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, टी टर्मिनल सिंबल्स हैं, पी प्रोडक्शन रूल है, और एस हमारे पास ग्रामर का स्टार्टिंग अब ये कह लें कि लेटर है जिससे ग्रामर हमेशा शुरू हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की ओरिजिनल डेफिनेशन जरा देखते हैं क्या। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बेसिकली सी एफ जी के नाम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सी एफ जी स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इट इज़ अ फॉर्मल ग्रामर विच इज़ यूज टू जनरेट ऑल पॉसिबल पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन अ गिवन लैंग्वेज। हमारे पास जितने भी गिवन फॉर्मल लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी कैन बी डिफाइंड बाई फॉर टपल्स, उसमें हमारे पास बी टी पी एस। अब वी हमने अभी सॉरी ग्रामर की जी की बात करते हैं, जी हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू इज द ग्रामर विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, इट इज यूज टू जनरेट द स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कि हमारे पास क्या आ रहे हैं, टी आ रहे हैं। तो टी हमें पता है टी इज द फाइनल सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। टर्मिनल सिंबल्स मैंने भी बताया कि स्मॉल लेटर्स में हम इसको लिखते हैं ए टू जी, यानी कि हर नॉन टर्मिनल के केस में टर्मिनल आ सकते हैं, बल्कि आएंगे, और वो टर्मिनल्स नॉट रिप्लेसेबल होंगे क्योंकि नेक्स्ट कोई प्रोडक्शन रूल नहीं बनेगा अगर कोई नॉन टर्मिनल किसी टर्मिनल के इक्वल है। तो टी हमारे पास क्या है जी, टी इज द फाइनल सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स हैं, इट इज जनरेटेड बाय लोअर केस लेटर्स। इसी तरह ही वी की बात करते हैं, वी हमारे पास फाइनल सेट होगा नॉन टर्मिनल सिंबल्स का, इसको हमने डोनेट करना है कैपिटल लेटर के साथ। टी हमारे पास बेसिकली हमने बताया था प्रोडक्शन रूल्स हैं, तो प्रोडक्शन रूल्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन हमारे पास नॉन टर्मिनल और टर्मिनल के कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, और हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो नॉन टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल भी आ सकते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जी राइट साइड पे कोई नॉन टर्मिनल आता है जो किसी नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली उसको हमें लेफ्ट साइड पर लाकर उसका भी प्रोडक्शन रूल लिखना पड़ेगा। कब तक लिखना पड़ेगा? जब तक वो किसी टर्मिनल के इक्वल नहीं हो जाता। जब वो टर्मिनल के इक्वल हो जाएगा तो जारी बात है कि उसकी प्रोडक्शन भी वहीं पे रुक जाएगी। तो पी इज द सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स व्हिच इज यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग नॉन टर्मिनल सिंबल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोडक्शन इन अ स्ट्रिंग विद अदर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन। तो यही बात मैंने अभी बताई है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एस आ रहा है, कैपिटल एस के जो है वो लेफ्ट साइड पे हम लिख रहे हैं, और उसकी जो राइट साइड है उसके हम राइट साइड के ऊपर हम लिख रहे हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिख रहे हैं, तो हमें फिर वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को दोबारा लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा, और डेफिनेटली इनके फिर प्रोडक्शन रूल लिखने पड़ेंगे अनटिल अनलेस जब तक हमारे नॉन टर्मिनल किसी टर्मिनल के इक्वल नहीं हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? प्रोडक्शन रूल्स कहलाते हैं। और हमारे पास एस है, एस की हमने बात की थी कि ये हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल होगा किसी भी ग्रामर का, कि यहाँ से ये स्टार्ट होगी। तो एस इज द स्टार्ट सिंबल विच इज यूज टू डिराइव द स्ट्रिंग। वी कैन डिराइव द स्ट्रिंग बाय रिपीटेडली रिप्लेसिंग अ नॉन टर्मिनल बाय राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन अनटिल ऑल नॉन टर्मिनल हैव बीन रिप्लेस्ड बाय टर्मिनल सिंबल। अब हम यहाँ पे इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जनरेटेड बाई सी एफ जी इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज कहलाती है। देखिए कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर जारी बात है कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज से आएगी। अगर हमारे पास कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज है तो हमारे पास कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर बनेगी, और कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर को आपको पता है कि जस्ट हमारे पास सिर्फ एक ही जो पैटर्न है, एक ही हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो पुश डाउन ऑटोमेटिक है। तो कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर को जो है वो कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज ही होगी, और उसको पुश डाउन ऑटोमेटा हमारा पीडीए इसको एक्सेप्ट करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें रेगुलर लैंग्वेज की, तो रेगुलर लैंग्वेज हमें पता है कि जी वो किसी रेगुलर एक्सप्रेशन से बन रही होती है और उसको डीएफए एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आज कि हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास पहली एग्जाम्पल है सिग्मा इज इक्वल टू ए। अब ए हमारे पास जस्ट ओनली ए है, इसकी कोई हमारे पास फर्दर प्रोडक्शन नहीं है, यानी कि सिग्मा स्टेरिक नहीं है जो हम ये कह सकते हैं कि ए स्टेरिक है, कि ए की पॉसिबल कंकेटिनेशन हमारे पास आ रही हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल आ रहा है वो यहाँ पे देखें कि हमने कहा था कि एस हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग सिंबल है। तो हमारे पास एस बिलोंग्स टू, ये हमारे पास जो स्मॉल ए है डेफिनेटली ये टर्मिनल सिंबल है, और एस जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनल सिंबल है। अब हमने ये बात की है कि एस बिलोंग्स टू स्मॉल ए कैपिटल एस। अब हमने ये अगर हमने इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है स्मॉल ए कैपिटल एस की, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जस्ट ये एक ही ए है तो हम इसकी कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे कि हमारे पास एस बिलोंग्स टू स्मॉल ए। हमारे पास इसका मतलब है कि एस जो है वो सिर्फ एक सिंगल ए के साथ रिप्लेस हो गया और हमारे पास कोई प्रोडक्शन रूल नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट लेटर है और वो क्या है, ए है। अगर हम बात करें कि जी हमारे पास जो सिग्मा स्टेरिक है और ये हमारे पास कह देते हैं कि जी ए स्टेरिक है, अब इसका मतलब है कि ए की ऑल पॉसिबल कंकेटिनेशन आ सकती हैं। अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली हमें इसके साथ स्मॉल ए के साथ कैपिटल एस लिखना पड़ेगा। और कैपिटल एस का मतलब क्या है कि हमारे पास ये प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। अगर हमें कहीं जाके प्रोडक्शन रोकनी है तो जारी बात है कि हम इसको किससे, क्योंकि ये हमारे पास देखें कि जो स्टेरिक है, स्टेरिक आपको पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, और क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे नल स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती है। हमने एक रूल एस का लिख दिया कि स्मॉल ए कैपिटल एस, और दूसरा हमने रूल लिख दिया है कि एस बिलोंग्स टू स्मॉल, सॉरी एस बिलोंग्स टू नल। अगर हमें जाके फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि सपोज हम कहते हैं कि एन की वैल्यू मैं जाके 10 लेना चाह रहा हूँ। अब एन का मतलब क्या है? 10 का मतलब है कि मुझे 10 A चाहिए। कहाँ से? 10 A चाहिए, यानी कि लास्ट ए जब हो तो डेफिनेटली वो क्या होनी चाहिए, वैल्यू उसकी 10 होनी चाहिए। अब 10 A तक जब तक वो ए आते रहेंगे, अब जब हमारे पास एस को, क्योंकि हमने एस को ही रिप्लेस करना है क्योंकि एस हमारे पास कौन सा सिंबल है, नॉन टर्मिनल सिंबल है, और वो ही रिप्लेसेबल है। हमेशा जब भी हम बात करेंगे कि जी हमने एस को
हमने ए को 10 टाइम लेना है तो एस की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो अब वो देखें कि एस को हमने रखा है ए एस, अब इसका मतलब है कि इस एस की जगह पे जाके हम दोबारा एस की ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये लैंग्वेज किसको डिफाइन करी है, ए स्टेरिक को, तो अगर हम इसकी डेरिवेशन करते हैं वर्ड की, तो फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है हमारे पास कोई 6 लेंथ का, तो हम 6 लेंथ की डेरिवेशन है तो हमारी ग्रामर कहाँ से शुरू होगी, एस से शुरू होगी, तो एस बिलोंग्स टू ए एस। अब आप देखें एक ए आ चुका है, अब मुझे फर्दर कितने ए चाहिए, डेफिनेटली मुझे 5 एस चाहिए। अब ये जो एस है ये डेफिनेटली रिप्लेस हो सकता है किसके साथ, इस एस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल है, तो यहाँ पे जाके एस की ये वाली वैल्यू पुट की जा सकती है। तो अगर हम फर्दर मैं इसको जरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि एस मेरे पास क्या है, ए एस आ रहा है, ए एस आ रहा है, तो मैं इसको ए तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल है, ये तो रिप्लेस नहीं होगा, ये रिप्लेस हो सकता है, इस एस की जगह पे जाके हम एस की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ रही है दोबारा, ए हमारे पास एस आ रही है, मैं इसको जाकर दोबारा रिप्लेस कर देता हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, डबल ए आ चुका है, हम इस एस को जाके फिर रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, ए हमारे पास एस आ जाएगा। और अनटिल अनलेस हम कहाँ तक, जब तक हम 6 तक पहुंच जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास 6 ए आ चुके हैं। अब इस एस को मुझे प्रोडक्शन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखें प्रोडक्शन के रूल के अंदर मैंने एस की वैल्यू को, एस को एक प्रोडक्शन रूल रखा है कि एस बिलोंग्स टू नल, तो मैं यहाँ पे जाके अगर मुझे ए नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे नल वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो डेफिनेटली जो ए बचेंगे वो हमारे पास वो रिक्वायर्ड ए होंगे जो हमने कहा था कि हमें इस ग्रामर से जनरेट करने हैं, कि यानी कि ये डेरिवेशन ऑफ वर्ड जो है वो हमारे पास 6 एज चाहिए होंगे। तो इस तरह से हम इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास, अब मैं जरा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास जो ग्रामर है वो कम्बिनेशन है सिंबल्स का, सिंबल्स में हमारे पास कौन कौन से सिंबल आते हैं, जी हमारे पास बेसिकली कहलाता है, जी इज इक्वल टू हमारे पास वी टी पी एस, हमें पता है कि जी जो सिंबल है नॉन टर्मिनल्स होते हैं और टर्मिनल्स होते हैं, जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं वो रिप्लेसेबल होते हैं, जो टर्मिनल्स होते हैं वो रिप्लेसेबल नहीं होते हैं। हम टर्मिनल्स को हमेशा स्मॉल में लिखते हैं और नॉन टर्मिनल्स को हम कैपिटल्स में लिखते हैं, और ये सारे रूल्स बेसिकली हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रोडक्शन रूल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब भी एक ऐसा होगा, ऐसा हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल है जो हमारे पास ग्रामर के लेफ्ट साइड पे आएगा। ये हमारे पास जो प्रोडक्शन के रूल्स हैं उसमें भी टू, हम कह सकते हैं कि टू डिफरेंट हम वेज के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं ग्रामर की। एक हमारे पास, अगर मैं कह दूँ पी इज इक्वल टू हमारे पास टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल्स, दूसरा प्रोडक्शन रूल मेरे पास क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल, अगर वो राइट साइड पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको लेफ्ट साइड पे लिख के दोबारा उनको किसी ना किसी टर्मिनल के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। जब तक वो टर्मिनल के साथ रिप्लेस नहीं होंगे, उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी, वो रिप्लेस होते जाएंगे, या आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि सिग्मा ए, हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास है डबल एस बिलोंग्स टू डबल एस, और इसी तरह ही हमारे पास एस बिलोंग्स टू हमारे पास क्या आ रहा है, स्मॉल ए, एंड एस बिलोंग्स टू हमारे पास आ रहा है कि ये हमारे पास आ रही है वैल्यू नल की। अब आप देखें कि जी इससे हमारे पास जो ग्रामर जनरेट होती है, विच इज द लैंग्वेज जनरेटेड बाय अबव सी एफ जी, सॉल्यूशन क्या है, दिस ग्रामर आल्सो डिफाइंस द लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय ए स्टेरिक, जो हमें अभी ए स्टेरिक की बात की है बिल्कुल वही ग्रामर हम यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये ग्रामर यहाँ से कैसे जनरेट हो सकती है, एस को हमने भी ये प्रोडक्शन रूल लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी कि प्रोडक्शन का ये रूल है कि जी ए जो हमारे पास एक जो टर्मिनल नॉन टर्मिनल प्लस ये हमारे पास नॉन टर्मिनल हो सकता है, अब हमने ये प्रोडक्शन रूल यहाँ पे लिख दिया। अब हम इस एस को, अगर मुझे ए की वेरिएशन चाहिए तो मैं इस एस की जगह पे जाके ए की वैल्यू पुट करता रहूंगा, तो ये एस साथ ऐसे ही आता रहेगा कि ये ए आ जाएगी, फिर ये एस है, फिर इसे एस की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो फिर मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ये एस साथ ही रहेगा। अब आप देखें कि जी ये मेरे पास प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी, और ये कब जाके खत्म होगी, जब तक मैं इसकी जगह पे, एस की जगह पे जाके नल की वैल्यू पुट नहीं कर देता हूँ। तो कहते हैं इट इज टू बी नोटेड दैट द नल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ टर्मिनल, तो ये हमारे पास जो है वो टर्मिनल सिंबल नहीं कंसिडर होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये रिप्लेस हमारे पास प्रोडक्शन को रोकने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे जब हम नल पुट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम फर्दर प्रोडक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्शन यहीं पे ही रुक जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं,
कि हमारे पास यहाँ पे देखें कि सिग्मा में ए और बी हैं, तो ये हमारे पास सेट ऑफ प्रोडक्शंस हैं। कि हमने कहा जी कि कैपिटल एस जो है वो कैपिटल एक्स के बराबर है, कैपिटल एस कैपिटल वाई के बराबर है, कैपिटल एक्स जो है वो नल के इक्वल है। वाई के आगे हमने फर्दर वेरिएशन रखी है, वाई जो है वो ए वाई है, यानी कि ए की प्रोडक्शन चाहिए या हमें बी की प्रोडक्शन चाहिए। तो हम यहाँ पे जाके हमने फिर कहा कैपिटल ए वाई जो है वो सिंपल ए भी हो सकता है और कैपिटल वाई वो जो है वो सिंगल बी भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, कहते हैं ऑल वर्ड्स आर ऑफ एक्स और वाई टाइप, द एक्स टाइप आर गिवन ओनली नल। तो यहाँ पे आप देखें कि एक्स टाइप के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है, नल की प्रोडक्शन आ रही है। तो अगर हम वाई टाइप में देखते हैं तो वाई टाइप हमें क्या दे रहा है, तो वाई टाइप हमें आर फाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ एज और बीज और बोथ, ये दोनों दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि जी ये बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन है, हमने देखा था ए प्लस बी स्टेरिक। हमें पता है कि ए प्लस बी स्टेरिक आपके पास ऑल पॉसिबल कंकेटिनेशन प्रोवाइड करता है इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। तो हम इसके लिए ये ग्रामर लिख सकते हैं। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे कोई भी वेरिएशन लेनी है, अब इस वेरिएशन में अगर हम बात करते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से सिर्फ नल लेना है, तो क्योंकि स्टैटिक की वजह से नल आ सकता है, तो क्या ये ग्रामर इसको अकोमोडेट करती है। तो यहाँ पे आप देखें कि एस कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारे पास एक्स से। तो अगर मुझे यहाँ पे नल लेना है तो मैं इसे एक्स की जगह पे जाके क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, नल की। तो हमारे पास जो ग्रामर है वो एस बिलोंग्स टू नल हो जाएगा, तो इसका मतलब है नल एक्सेप्ट हो सकता है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ से कोई और वेरिएशन लेनी है, मैं कहता हूँ कि मुझे डबल ए और बी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि मैं कहाँ पे मूव करूंगा, वाई टाइप के ऊपर। तो वाई टाइप में हमारे पास देखें एस की ये, तो एस अगर मैं कहता हूँ जी बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो वाई में अब आप देखें कि एस ने तो सेम एज इट इज रहना ही रहना है इसे। अब वाई को जाके मैंने ए डबल ए बी चाहिए, तो मैंने यहाँ के वाई का जो रूल है ए कैपिटल वाई मैंने ये लिख दिया, क्योंकि मुझे एक वाई और चाहिए। अगर मुझे जस्ट सिर्फ ए ही चाहिए होता तो डायरेक्टली मैं एक्स बिलोंग्स टू वाई लिखता और वाई का जो प्रोडक्शन रूल है ए, क्योंकि और मुझे नई वेरिएशन चाहिए तो मैं इसको भी यहाँ पे अकोमोडेट ना करता। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि जी मुझे फिर मैंने कहा जी एस बिलोंग्स टू, अब मेरे पास ये स्मॉल ए तो आ चुका है, मुझे एक और ए चाहिए, तो मैं इस वाई को कैपिटल वाई को रिप्लेस करूंगा ए कैपिटल वाई के साथ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास टू ए आ चुके हैं। अब एस बिलोंग्स टू मेरे पास अब ए नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बी चाहिए। तो आप देखें कैपिटल वाई जहरी बात है नॉन टर्मिनल सिंबल है, तो ये रिप्लेस हो सकता है किसी टर्मिनल के साथ। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वाई के प्रोडक्शन रूल के अंदर क्या बी लिखा हुआ है सिंपल, अगर बी है तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा स्मॉल बी के साथ। तो हमारे पास बेसिकली इस जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसकी हमारे पास ये सी एफ जी आ चुकी है, इससे हमारे पास जो भी स्ट्रिंग बनेगी हमारी ये सी एफ जी उसको अकोमोडेट करेगी। तो इस तरह से हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी हम कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं, यानी कि कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज बना सकते हैं उनके। इसी तरह एक और प्रोडक्शन रूल देखें कि बिल्कुल सेम वही उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास इस प्रीवियस में हमने लिखा था कि जी जो नॉन टर्मिनल है वो नॉन टर्मिनल के इक्वल रख दिया, फिर हमने नॉन टर्मिनल को टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल के बिहेवियर में लिखा। अगर हम इस ग्रामर को थोड़ा शॉर्ट कर दें तो यहाँ पे देखें कि एस बिलोंग्स टू ए कैपिटल एस, एस बिलोंग्स टू बी कैपिटल एस, फिर एस का रूल लिख दिया स्मॉल ए, एस का रूल लिख दिया स्मॉल बी, और एस का रूल लिख दिया हमने नल। अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जो मैंने पहले स्ट्रिंग बनाई है कि ए डबल बी, क्या ये इस ग्रामर से जनरेट हो सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एस बिलोंग्स टू हमें ए चाहिए, तो सारी बात है कि मैं ये प्रोडक्शन का रूल लिखूंगा। तो हमारे पास एस जो है ये हमारे पास आ रहा है ए एस, अब हमें ये एस में ऐसे ही रहना है। मैं अब ए के बाद मुझे अब क्या चाहिए, बी चाहिए, तो मैं एस का ये वाली वैल्यू पुट करूंगा स्मॉल बी कैपिटल एस। अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एस की वैल्यू बी पुट कर देता तो मेरे पास प्रोडक्शन यहाँ पे रुक जानी थी, तो ए बी जनरेट होना था, तो मैं इस वर्ड को डेरिवेट नहीं कर पाता इस रेगुलर एक्स से। तो मुझे डेफिनेटली वो प्रोडक्शन रूल लेना है जिसमें नॉन टर्मिनल सिंबल हो, क्योंकि वो नॉन टर्मिनल ही रिप्लेसेबल है। अब यहाँ पे ए बी आ रहा है, अब इसके बाद मुझे फिर बी चाहिए, तो इसका मतलब है कि इस कैपिटल एस की जगह पे मैं ये इसका ये वाला प्रोडक्शन रूल लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्या है बी कैपिटल एस। अब हमारे पास देखें कि जो वर्ड है वो हमारे पास ये गिवन वर्ड है और ये डेरिवेटेड वर्ड है, तो इसका मतलब है कि ये इसके एच की प्रोडक्शन अब मुझे यहाँ रोकनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं ए डबल बी
और यहाँ पे जाके मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, नल। तो आपको पता नल किसी भी स्ट्रिंग के साथ कंकेटिनेट के होता है, तो आंसर सेम स्ट्रिंग आती है, तो ए डबल बी हमारे पास यहाँ से भी जनरेट हो जाएगा। तो हम इस तरह से इस जो प्रीवियस हमने जो ग्रामर लिखी है उससे भी हम इसको शॉर्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेट इज द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द अबव सी एफ जी सॉल्यूशन, दिस ग्रामर ऑल्सो डिफाइन द सेम लैंग्वेज एज इन द एग्जाम्पल थ्री। तो ये एग्जाम्पल फोर है, लेकिन एग्जाम्पल थ्री के अंदर भी हमने जो ए प्लस बी स्टेरिक की बात की है, तो यहाँ पे भी ये ग्रामर ए प्लस बी स्टेरिक को ही एक्सप्रेस कर रही है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें ये वेल हमारे पास वेल नॉन हमारे पास बड़ा फेमस रेगुलर एक्सप्रेशन है, हमने इसको बहुत सारी एग्जाम्पल्स के अंदर डिस्कस किया है, चाहे वो टीजी की हो, चाहे वो हमारे पास डीएफए की हो, या हमारे पास कहीं पे वो कंकेटिनेशन में आ रही है, क्लोयर में आ रही है, इंटरसेक्शन में आ रही है, हमने इसे डीएफए पर ड्रॉ करके देखे, हमने इसे एनएफए ड्रॉ करके देखा। अब हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए बेसिकली सीएफजी लिखना चाह रहे हैं। तब आप देखो कि जी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये भी नल हो सकता है और ये भी नल हो सकता है हमारे पास। अब हम ना इस रेगुलर एक्सप्रेशन के पोर्शन कर सकते हैं, लाइक अगर जो एक सेम है एक ही टाइप के ए प्लस बी स्टेरिक यहाँ पे भी आ रहा है ए प्लस बी स्टेरिक, तो मैं कह रहा हूँ जी मैं इसको नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स आ रहे हैं जारी बात है ये ऑलरेडी टर्मिनल हैं, तो ये सेम एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जी इसमें से कोई भी स्ट्रिंग आ जाए या इसमें से कोई भी स्ट्रिंग आ जाए, ये डबल ए ने तो आना ही आना है, तो हमने यहाँ पे एस बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स डबल ए कैपिटल एक्स लिख दिया। अब कैपिटल एक्स जो है वो रिप्लेसेबल है, अगर ये मैं कहूँ कि जी मेरे पास एक स्ट्रिंग बन रही है कि डबल ए ने तो सेंटर में आना ही आना है, इससे पहले मैं यहाँ पे बी ले रहा हूँ और इसके बाद भी मैं यहाँ पे बी ले रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो स्ट्रिंग है वो या ये वाला जो वर्ड है ये डेरिवेट होना चाहिए इस हमारी कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर से। तो जारी बात है कि जी अब मुझे यहाँ से ए बहुत सारे ए भी मिल सकते हैं, बी बहुत सारे बी, एन के आपस में कंबाइंड कम्बिनेशन। तो इसका मतलब है कि मुझे ऐसा प्रोडक्शन रूल लिखना पड़ेगा जिसमें मेरे पास ए भी आ जाए और मेरे पास बी भी। तो मैंने देखें एस बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स डबल ए कैपिटल एक्स, फिर हमने मैंने एक्स का अभी देखें एक्स हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नॉन टर्मिनल सिंबल, तो जारी बात है इसका मुझे रूल लिखना पड़ेगा कि नॉन टर्मिनल कब तक लिखना पड़ेगा, अनटिल अनलेस जब तक ये किसी टर्मिनल के इक्वल नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास ए कैपिटल एक्स, फिर मैंने एक और एक्स का रूल लिख दिया कि स्मॉल बी कैपिटल एक्स, अगर मुझे कहीं पे ए चाहिए या मुझे बी चाहिए या मुझे इनकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, तो ये जो हमारे पास नॉन टर्मिनल सिंबल एक्स आ रहा है ये इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता रहेगा। इसके बाद हमारे पास देखिए नॉन जो हमारे पास एक्स है एक्स बिलोंग्स टू नल। अब मैं कह रहा हूँ जी कि मैंने ये वाली जो स्ट्रिंग है ये जनरेट करनी है इस या डेरिवेट करनी है इस हमारे पास ग्रामर से। तो इस ग्रामर में हमारे पास देखिए कितने प्रोडक्शन रूल आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ये फोर प्रोडक्शन रूल्स हैं जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के। अब हमने इन फोर प्रोडक्शन रूल्स से देखना है कि क्या हमारे पास ये वर्ड डेरिवेट होता है यहाँ से। जारी बात है कि जी हमारे पास जो ग्रामर है वो स्टार्ट हो रही है एस बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स डबल ए और कैपिटल एक्स आ रही है। अब जारी बात है कि जी एक्स ही रिप्लेस होगा, तो हमें यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में क्या चाहिए, बी। तो हमने देखना है कि एक्स का कोई प्रोडक्शन रूल हमारे पास बी से शुरू हो रहा है, ये डेफिनेटली ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक्स रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, स्मॉल बी कैपिटल एक्स इससे रिप्लेस हो जाएगा, डबल ए ने सेम एज इट इज ही आना है और ये कैपिटल एक्स इसी तरह ही आएगा। इसी तरह हमें हमें इस एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि हमें बी के फौरन बाद डबल ए चाहिए क्योंकि इस वर्ड के अंदर है, तो बी। अब इस एक्स की जगह पे जाके हम क्या पुट कर देंगे, नल की वैल्यू। जब नल पुट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल ए एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल, ये तो रिप्लेसेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि बी डबल ए एज इट इज आएगा। अब हमें लास्ट में क्या वर्ड चाहिए कि हमें बी चाहिए, तो हम ये जो कैपिटल एक्स आ रहा है इसका हमने अब वो प्रोडक्शन रूल लेना है जिसमें बी आ रहा है। तो ये हमारे पास बी कैपिटल एक्स, हमने इस एक्स को रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू बी कैपिटल एक्स के साथ, और फिर हम इसको लिख रहे हैं कि जी हमें अब इसके अलावा नहीं चाहिए कोई भी प्रोडक्शन, तो हमारे पास बी कैपिटल बी डबल ए बी और इस कैपिटल एक्स की जगह पे हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल पड़ा हुआ है नल का। तो हमारे पास ये वाला वर्ड इस जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इससे जनरेट हो सकता है। तो आपने एक बात याद रखनी है, आपने वो वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है जो आपने प्रोडक्शन रूल के अंदर डिफाइन कर रखी है। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू यूज की वर्ड को डेरिवेट करते हुए जो ग्रामर
ग्रामर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती तो डेफिनेटली आपकी ग्रामर जो है वो इनवैलिड ग्रामर कहलाएगी। इसी तरह ही अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास एक बड़ा ही फेमस सा टॉपिक था इवन इवन लैंग्वेज का, तो हमने देखा इवन इवन लैंग्वेज के लिए हमने पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखे, फिर हमने इसका DFA बनाना सीखा, फिर हमने इससे NFA भी डिज़ाइन किया, TG भी डिज़ाइन किया। तो आज हम इसके लिए इवन इवन लैंग्वेज के लिए देखते हैं कि हम कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है इवन इवन का मतलब है कि इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। यहाँ हमने कहा था कि अगर ए के साथ बी नहीं आता तो इवन होना चाहिए, अगर बी के साथ ए नहीं आता तो बी को इवन होना चाहिए। अगर वो किसी कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी इक्वल क्वांटिटी में, यानी कि इक्वल क्वांटिटी का मतलब है कि इक्वल भी हो और वो इवन भी होने चाहिए। इक्वल का मतलब ये नहीं कि सिंगल ए और सिंगल बी आ जाए, एटलीस्ट डबल ए और डबल बी आ सकते हैं। पोजिशन वेरी कर सकती हैं, ए डबल बी ए हो सकता है, लेकिन उस वर्ड के अंदर नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इवन होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें हमारी ग्रामर कहाँ से शुरू हो रही है, एस से। तो हमने कहा जी एस बिलोंग्स टू डबल एस, यानी कि ये नॉन टर्मिनल सिंबल रिप्लेस हो रहा है टू नॉन टर्मिनल सिंबल्स के साथ। हमने अब एस के रूल लिखने कि हमारे पास जो पहला पोर्शन है इवन इवन लैंग्वेज का, आपको पता है कि हमारे पास क्या होगा, डबल ए, यहाँ हमारे पास क्या आता है डबल बी आता है। तो इसका मतलब क्या है जी कि हमें इनको रिप्लेस करना है। यहाँ हमारे पास प्लस के बाद वाला पोर्शन आता है कि डबल ए प्लस डबल बी इंटू ए बी, या मैं लिख देता हूँ इंटू ए बी प्लस बी ए। इसी तरह ही फिर हमारे पास क्या है डबल ए प्लस डबल बी स्टेरिक इंटू ए बी प्लस बी ए होल स्टेरिक। ये हमारे पास, अब ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है इवन इवन लैंग्वेज का। अब आप देखेंगे कि हमने जो ग्रामर में स्टार्टिंग सिंबल है एस, डेफिनेटली ये नॉन टर्मिनल सिंबल है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया टू नॉन टर्मिनल सिंबल्स के साथ। हमने कहा जी कि जो एस है इसको फर्दर प्रोडक्शन रूल लिखा है कि एक्स और एस लिख दिया, और एक प्रोडक्शन रूल हमने लिख दिया इसका नल। और देखिए नल हमने जो प्रोडक्शन रूल लिखा है बेसिकली ये होल जो स्टेरिक आ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास क्या है नल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। जारी बात है कि अगर ग्रामर कहीं से शुरू हो रही है तो वो नल पे खत्म होनी चाहिए, तो प्रोडक्शन रूल ले लेंगे। अगर हमें लग रहा है कि जी ग्रामर के अंदर फर्दर हमें कोई वैल्यू को एक्सीड करते रहना है तो डेफिनेटली हमें चाहे वो डबल ए आ रहे हैं या डबल बी आ रहे हैं तो हम एक्स की वैल्यू को यहाँ पे अकोमोडेट कर लेंगे। और आप देखें कि एक्स की वैल्यू जो है वो फर्दर यहाँ पे एक्स की वैल्यू फर्दर टू वैल्यूज में डिवाइडेड है, एक ही एक्स की वैल्यू डबल ए है और एक एक्स की वैल्यू डबल बी है। इसी तरह हमारे पास अगर कोई मिक्सचर आ रहा है लाइक ए बी है, बी ए है, डबल ए डबल बी आ रहा है, फिर ए बी और बी ए आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है हमें इसके लिए अलहदा रूल। तो ये वाला रूल हमारे पास क्या है, ये वाला रूल हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है अगर वो डबल ए की वेरिएशन चाहिए या डबल बी की। इसका मतलब है ये होल क्लोजर में तो डबल ए के बाद ये 4A हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, इसी तरह डबल बी के बाद 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 16 एंड सो ऑन। तो ये वाला प्रोडक्शन रूल इसको अकोमोडेट करेगा। अगर ये होल स्टेरिक की वजह से नल आ रहा है तो ये वाला प्रोडक्शन रूल उसको अकोमोडेट करेगा। अगर हमारे पास यहाँ से कोई भी पोर्शन आता है जिसमें ए बी आ जाए, बी ए आ जाए, या डबल ए डबल बी आ जाए, या ए बी बी ए आ जाए, तो हमारे पास एस का ये वाला प्रोडक्शन हो जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है एस बिलोंग्स टू कैपिटल वाई एस कैपिटल वाई। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि हमने कहा कि लिख दिया एस के प्रोडक्शन रूल। अब वाई के जो प्रोडक्शन रूल है जारी बात है कि यहाँ पे हमारे पास अगर डबल ए और डबल बी चाहिए होगा तो हम यहाँ से डबल ए और डबल बी है तो ये तो हम एक्स की प्रोडक्शन ले लेंगे। अगर हमें ए बी या बी ए चाहिए तो हमने इनको किस प्रोडक्शन रूल से अकोमोडेट करना है, वाई के साथ अकोमोडेट करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि एस बिलोंग्स टू कैपिटल वाई एस कैपिटल वाई, तो वाई की हमने रूल लिख दिया यहाँ तो ये ए बी हो सकता है या ये बी ए हो सकता है। जैसे हमने एस को कहा कि ये डबल ए और डबल बी हो सकता है तो हमने वाई को कह दिया ये ए बी और बी ए हो सकता है। अब इस ग्रामर से हमको ये स्ट्रिंग डिफाइन करके देखते हैं। तो मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से डबल ए ले लेता हूँ, इसी तरह मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ से मैं ए बी इसके साथ लिख लेता हूँ, फिर मैं बी डबल ए लिख लेता हूँ और मैं लास्ट पे बी ए ले लेता हूँ। अब मुझे पहले तो ये वेरीफाई करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इवन है, 1 2 3 4 5 6, 6 ए है और 2 बी है, तो इसका मतलब है
ये स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन। अब हम इसको इस ग्रामर से जनरेट करके देखते हैं, तो हमारे पास ये प्रोसेस क्या कहलाता है, स्ट्रिंग डेरिवेशन कहलाता है, कि वाकई में उस ग्रामर से, उस लैंग्वेज से रेलेवेंट स्ट्रिंग बन सकती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें AAA, BAA ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है, तो हमारे पास जारी बात है स्ट्रिंग कहाँ से शुरू होगी, एस से। अब आपने पहले ये देखना है कि एस की हमारे पास कौन सी प्रोडक्शन आनी चाहिए। एस की वो प्रोडक्शन आनी चाहिए जिसके अंदर जाके हमें ये वाली स्ट्रिंग मिल सके। तो जारी बात है कि एस की प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले एस को मैं रख सकता हूँ एस कैपिटल एक्स और एस। अब आप देखें कि कैपिटल एक्स जो है ये रिप्लेस हो सकता है हमारे पास किसके साथ, AA के साथ, और ये हमारे पास एस ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देखें कि AA हमारे पास आ गया, ये तो ऐसे ही है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए हमारे पास एस के जो प्रोडक्शन रूल है, अब इसमें हमारे पास देखें यहाँ तो SSS आ रहा है, यहाँ हमारे पास XSS आ रहा है, या नल आ रहा है, या हमारे पास YSY आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल इस एस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ YSY के साथ। तो मैंने जब इसको रिप्लेस किया तो जारी बात है कि जी मेरे पास AA ने तो आना ही आना है, AA आ गया। अब इस एक्स की जगह पे जाके मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ AA की, अगर मैं AA की वैल्यू पुट करता हूँ, सॉरी वाई है, तो वाई की वैल्यू की जगह पे जाके मैंने कौन सी AB, तो यहाँ पे AB आ रहा है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे AB वैल्यू पुट कर दी। एस और कैपिटल वाई सेम एज इट इज रहेगा, फिर मेरे पास AAB ये तो जनरेट हो गया। अब इसके बाद मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो उसमें क्या आ रहा है कि ये मेरे पास AA चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इस एस को मैं दोबारा से रिप्लेस कर सकता हूँ किसके साथ, इस एक्स एस के साथ। तो मैंने इस एस को रिप्लेस कर दिया एक्स एस और कैपिटल वाई, ये मेरे पास सेम एज इट इज रहेगा। अब ये हमारे पास देखें कि ये तो एज इट इज आएंगे कि हमारे पास AA, फिर हमारे पास AB। अब मुझे इसके बाद क्या चाहिए, AA चाहिए। तो मैंने इस एक्स को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, AA के साथ रिप्लेस कर दिया, एस और कैपिटल वाई एज इट इज रहेंगे। अब ये वर्ड मेरे पास सेम रहेगा। इस एस में जाके अब मुझे क्या चाहिए, BA चाहिए। तो जारी बात है कि जी इस एस की प्रोडक्शन पे जाके मैं यहाँ पे, अगर ये मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ नल के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे कैपिटल वाई रह जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ जी कि AAA, BAA। अब मुझे AA के बाद क्या चाहिए, BA चाहिए। तो मैं इस वाई को जाके रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ, इसकी प्रोडक्शन रूट BA के साथ। यहाँ पे आप देखें कि वो हमने जो वर्ड बनाया था इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, ये डेफिनेटली इस हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से भी जनरेट हो सकता है। तो हमने देखा कि अगर हम किसी रेगुलर लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो हम किसी रेगुलर लैंग्वेज के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी लिख सकते हैं। तो हम फिर उसकी क्रेडिबिलिटी को फाइंड करने के लिए, चेक करने के लिए कि आइदर जो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी है वो हमारे पास करेक्ट है या नहीं है, तो डेफिनेटली हम उस रेगुलर एक्सप्रेशन से एक वर्ड बनाएंगे। उस वर्ड को हम उस ग्रामर से डेरिवेट करके चेक करेंगे, अगर तो वो डेरिवेट हो जाती है तो डेफिनेटली वो उस लैंग्वेज की हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी, अगर वो उससे डेरिवेट नहीं होती तो डेफिनेटली वो उस लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होगी। तो इसी तरह ही हमारे पास और बहुत सारी है, इक्वल लैंग्वेज है तो इक्वल के लिए हम कुछ इस तरह की ग्रामर रूल डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं, वो क्या है, इट इज टू बी नोटेड दैट इफ द सेम नॉन टर्मिनल हैव मोर देन वन प्रोडक्शन, इट कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन लाइक दिस। अगर हमने यहाँ पे देखो कि जी हमने यहाँ पे बात की है कि एस जो है ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्शन रूल लग रहा है, तो हम इसको स्लैश लिख के एस एक्स, फिर हमने स्लैश लिख के नल लिख सकते हैं, फिर हम स्लैश लिख के वाई एस एक्स, फिर ये हम लिख सकते हैं, तो हम इनको एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि एस की जो रूल्स हैं वो हमारे पास क्या है, ए कैपिटल एस है, एस का रूल एक और है बी कैपिटल एस है, एस का रूल है बिलोंग्स टू नल, तो हम इसको एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं, ना कि हम इसको सेपरेट थ्री लाइन के अंदर लिखें। तो इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द प्रोडक्शन एस बिलोंग्स टू SS और नल ऑलवेज डिफाइन द लैंग्वेज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू कंकेटिनेशन, द लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ टाइप आर स्टेरिक। तो हम इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर स्टेरिक का मतलब क्या है कि जी ये एस जो है ये स्टेरिक की वजह से नल भी दे सकता है, और ये जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है ये एस की हमें बहुत सारी वेरिएशन भी प्रोवाइड कर सकता है।
इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द प्रोडक्शन ऑफ एस बिलोंग्स टू डबल एस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नल नहीं जनरेट होगा, इसका मतलब है एस की कोई ना कोई प्रोडक्शन जरूर आएगी, यानी कि नल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि वो किस प्रॉपर्टी को, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को ही बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नल नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली ये क्या कहलाएगा, आर प्लस कहलाएगा। अगर ये आर स्टेरिक होता जैसे ऊपर था, तो जाहिर बात है कि नल आ सकता था, तो हमें एस का एक नल प्रोडक्शन रूल भी लिखना पड़ना था। यहाँ पे हमने, अगर हमने एस का एक बिलोंग्स टू डबल एस है, तो यहाँ पे नल प्रोडक्शन नहीं लिखी, तो इसका मतलब है कि ये आर स्टेरिक है जिसके अंदर एटलीस्ट सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग जरूर आएगी। अगर हमारे पास आर स्टेरिक होता तो हमने कहा था कि जी इसके अंदर नाइदर ए नॉर बी या वो कोई भी लेटर नहीं आ सकता, तो इसमें नल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो जिसमें हमने नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं करनी, तो हम उसको प्लस क्लोजर में, यानी कि प्लस की क्लोजर प्रॉपर्टी में जाके लिखते हैं। इसी तरह अब हम नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट, मैं आपको एज अ असाइनमेंट कहूँगा कि नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है, आप अपने तौर पे इन रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ग्रामर जनरेट करके देखें। जब आप ग्रामर जनरेट कर लें, तो फिर आप उससे वर्ड बना के, उस ग्रामर से डेरिवेट करके वेरीफाई करेंगे इधर आपकी जो ग्रामर आपने लिखी है वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि जी इस ग्रामर से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, यानी कि ये वर्ड जनरेटेड हैं, तो इनको डेरिवेट करके देख रहे हैं कि ये वर्ड हमारे पास, ये भी वर्ड जनरेट हो सकता है इस तरह से, सो मैनी वर्ड्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो इसी तरह एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमने प्रीवियस भी डिस्कस किए हैं, तो इनके लिए भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी हुई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर के अंदर जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो 12 है, इसके अंदर भी हमारे पास प्रोडक्शन रूल लिखे हुए हैं। ये जो, अब ये जो बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा कि जी यहाँ से, तो एग्जाम्पल नंबर 12 से शुरू करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, उनके लिए क्या हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली आंसर होगा यस। तो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।